यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और इसी बीच बड़ी खबर राजगढ़ से है, जहां पर गहरी खाई में बस गिरी है। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं पर राहत बचाव कार्य के लिए पुलिस बल भी रवाना हो गया है। सनोरा नेरी पुल का ये पूरा हादसा है। मानवा से सोलन ये बस जा रही थी, तो ये बड़ी खबर इस वक्त राजगढ़ से, जहां पर आपको बता दें कि खाई में एक बस गिरी है, जिससे हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं राहत बचाव कार्य भी जारी है, पुलिस बल जो है वो राहत बचाव कार्य के लिए रवाना हुआ। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इस दौरान की, ये तस्वीरें हैं हादसे के दौरान की। राजगढ़ से ये बड़ी खबर, जहां पर खाई में बस गिरी और साथ ही यहाँ पर इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है, जिसके लिए पुलिस बल भी रवाना हुआ था। और साथ ही यहाँ पर आपको बता दें कि सनोरा नेरी पुल पर यह हादसा हुआ, जहां पर खाई में बस गिरी, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई। मानवा से सोलन ये बस जा रही थी। तो मानवा से सोलन के लिए ये बस जा रही थी, लेकिन इसी बीच राजगढ़ में यह हादसा हो गया, जहां खाई में बस गिरी, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई। ज्यादा जानकारी लेंगे गोपाल दत्त, हमारे संवाददाता सोलन से फोन लाइन पर है। गोपाल दत्त, क्या कुछ अपडेट है खबर पर? गोपाल दत्त, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, आवाज जो है वो नहीं जा पा रही, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि सोलन के लिए ये बस जा रही थी, लेकिन इसी बीच रास्ते में ये हादसा हुआ राजगढ़ में, जहां पर खाई में बस गिर गई और अब जिससे 5 लोगों की मौत हो गई। राहत बचाव कार्य के लिए पुलिस बल रवाना हुआ, और साथ ही यहां पर मानवा से सोलन के लिए बस जा रही थी। इसी बीच सनोरा नेरी पुल पर, राजगढ़ में सनोरा नेरी पुल पर यह हादसा हुआ, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में बस जो है वो खाई में जा गिरी, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई है। और राहत बचाव कार्य के लिए भी पुलिस बल रवाना हो गया है। और इसके साथ आपको बता दें कि मानवा से सोलन के लिए यह बस जा रही थी। तस्वीरें जो है हादसे के बाद की तस्वीरें हैं, जो आप देख सकते हैं, जहां पर जो है बस खाई में गिरी और साथ ही इससे 5 लोगों की मौत हो गई है। तो राजगढ़ से ये बड़ी खबर, जहां पर सनोरा नेरी पुल पर यह हादसा हुआ। मानवा से सोलन के लिए जो बस जा रही थी, वो राजगढ़ में सनोरा नेरी पुल पर जो है हादसे का शिकार हुई, खाई में बस जा गिरी, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई। राजगढ़ से गोपाल दत्त हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। गोपाल, कैसे हुआ ये पूरा हादसा, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी अवंती, का भी हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। एक निजी बस जो मानवा से सोलन जा रही थी, वो नई नेटी के पास जो है वो गहरी खाई में जा गिरी है। लगभग जो है वो अभी तक 5 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। कुछ लोग जो हैं बस के नीचे भी फंसे हो सकते हैं, क्योंकि बस पूरी तरह उल्टी है जी। घायलों को जिला अस्पताल सोलन ले जाया गया है। प्रशासन व पुलिस मौके पर हैं, राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। क्या मृतकों की संख्या जो है वो बढ़ सकती है गोपाल? अभी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि बस के नीचे कुछ लोग फंसे हो सकते हैं जी। करीब कितने लोग सवार थे इस बस में? 25 से 30 लोगों के सवार होने की अभी तक सूचना मिली है। करीब 25 से 30 लोग जो है इस बस में सवार थे, लेकिन 5 लोगों की जो है मौत का आंकड़ा अभी तक सामने आ पाया है। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन जो घायल हैं उनके लिए, उनको उपचार देने के लिए कहां पर जो है सभी को लेकर जाया जा रहा है गोपाल? जिला अस्पताल सोलन के लिए उनको सभी को ले जाया जा रहा है निजी गाड़ियों से, और 108 जो सरकारी एम्बुलेंस है, स्थानीय लोगों की मदद से काफी लोगों को सोलन पहुंचाया जा रहा है जी। करीब कितने लोग अभी तक बाहर निकल चुके हैं गोपाल? अभी मैडम इस बारे में कोई पुष्ट जानकारी नहीं है, थोड़ी देर में जानकारी आ पाएगी जी। चलिए, थोड़ी देर में इस पर अपडेट भी आ पाएगा। लेकिन इसके साथ ही गोपाल दत्त, क्योंकि सवाल ये भी है कि लगातार जो है बस हादसे सामने आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश से, कभी स्कूल बस जो है वो उनके साथ हादसा जो है सामने आता है, और अब यात्रियों से भरी बस का जो है हादसा ये सामने आया है। अभी मैडम हादसों के कारणों की जानकारी तो नहीं मिल पाएगी कि क्या किन कारणों से हादसा हुआ है, ये तो थोड़ी देर में ही लग पाएगा जानकारी। चलिए, बहुत शुक्रिया गोपाल दत्त तमाम जानकारी के लिए। तो करीब 25 से 30 लोग जो है इस बस में सवार बताए जा रहे हैं, और साथ ही 5 लोगों की मौत की खबर का आंकड़ा जो है वो सामने आया है, लेकिन साथ ही मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ने की संभावना है। और इसके साथ ही घायल जो लोग हैं सभी को जिला अस्पताल सोलन में जो है भर्ती कराया जा रहा है, जहां पर प्राथमिक उपचार उनको दिया जा रहा है। इसके अलावा राहत बचाव कार्य भी तेजी से जारी है।